परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला, परवेज इलाही की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से परवेज इलाही की रिहाई की इस्तदा की गई, अदील सरफराज से तफसीलात जानेंगे। अदील बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ये मामला है और अब उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि परवेज इलाही को रिहा किया जाए। अदालत से ये उन्होंने इस्तदा की है कि परवेज इलाही को आइंदा किसी भी मुकदमे में उनकी जो गिरफ्तारी है उससे रोका जाए और किसी नामालूम मुकदमे में भी गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी करने की इस्तदा की गई है और अदालत को अदालत के सामने पेश करने के भी अहकाम जारी किए जाएं, ये कहा गया उनकी अहलिया की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया था। अब मौकफ ही अपनाया गया इस दरख्वास्त के अंदर अहलिया की जानिब से परवेज इलाही साहब की, के परवेज इलाही को रिहाई के अहकाम के बावजूद दोबारा उनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई है और हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हकायक का जायजा नहीं लिया। इस दरख्वास्त के अंदर निगरान जो पंजाब हुकूमत है और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और आईजी पंजाब, उनको फरीक बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।